दरभंगला। यस सर गर्व एक बार दोबारा सुन ले, तो मैंने ऑप्शन दे दिए देख सर गर्व। अब हमें जो, हाँ, फोर्थ मेथड पढ़ना है प्योरिफिकेशन का, क्लियर। फोर्थ मेथड मेथड जो है प्योरिफिकेशन ऑफ ओर का, यानी कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, वो क्या है? केमिकल सेपरेशन, सही ना? केमिकल सेपरेशन और लीचिंग, क्लियर। केमिकल सेपरेशन और लीचिंग, तानिया तुम भी सुन लेना एक बार। ओर अलोंग विद गैंग पार्टिकल्स, ओर अलोंग विद गैंग पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज इज डिजोल्व इन ए सुटेबल रेजेंट, इज डिजोल्व इन ए सुटेबल रेजेंट इन विच द ओर डिजोल्व बट नॉट द इम्प्योरिटीज, जिसमें ओर डिजोल्व कर जाएगा बट नॉट द इम्प्योरिटीज। ओर को अलॉन्ग विद गैंग पार्टिकल्स डिजोल्व करेंगे सुटेबल रेजेंट के अंदर, जिसमें ओर डिजोल्व कर जाएगा बट नॉट द इम्प्योरिटीज। और ये केमिकल रेजेंट कोई भी एसिड, बेस या सॉल्ट हो सकता है। इसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं, एक है बेयर्स प्रोसेस, एक है बेयर्स प्रोसेस, दूसरा मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस आते हैं, पहला जो प्रोसेस है दैट इज बेयर्स प्रोसेस, नोट करेंगे उसको, बेयर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं आप। सही ना? बेयर्स प्रोसेस, ये पहली लाइन लिखना है। ये एलुमिना की प्योरिफिकेशन के लिए होता है, एलुमिना जो है Al2O3, Al2O3.XH2 भी कह सकते हैं, एलुमिना की प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं बेयर्स प्रोसेस। दो और नाम है, दो और नाम है, नोट कर सकते हैं, हॉल्स प्रोसेस और सरफेक्स प्रोसेस, वो भी एलुमिना की कंसंट्रेशन के लिए, एलुमिना के ड्रेसिंग के लिए या एलुमिना के बेनिफेक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना? वो क्या है? बेयर्स प्रोसेस। अब बेयर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, इसके साथ इंप्योरिटीज जो आती है, बेयर्स प्रोसेस के साथ जो इंप्योरिटीज आती हैं वो होती है से Fe2O3 प्लस SiO2 प्लस TiO2। मेन इंप्योरिटी होती है इसके अंदर Fe2O3, इसलिए इसको हम रेड बॉक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का होगा कि नहीं? Fe2O3 बता रखा मैंने तुम्हें, रेडिश ब्राउन होता है, तो इसलिए रेड बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन होती है इसके अंदर, रेड बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन होती है। ये इसके साथ क्या है, एलुमिना के साथ इंप्योरिटीज है, ये इंप्योरिटीज है। अब हम डिजोल्व कर रहे हैं एलुमिना को NaOH के अंदर, इस सबको डिजोल्व कर देंगे NaOH के अंदर। बता सकते हो कौन कौन डिजोल्व करेगा? जब NaOH के अंदर डिजोल्व करेंगे कौन कौन डिजोल्व करेगा? चक्कारी L2O3। क्या कह रहे हो? चक्कारी L2O3। नहीं देखो, अब एल्यूमिना मैं किसके अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ? NaOH के अंदर, क्लियर। NaOH तो बेस है, बेस के अंदर क्या डिजोल्व करेगा? जो एसिडिक होगा। अब देखो ध्यान देना बिल्कुल, मेटल की ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, तो ये डिजोल्व करेगा। मेटल की ऑक्साइड बेसिक, एल्यूमिनियम ये भी मेटल की ऑक्साइड तो बेसिक, अब बताओ कौन सा डिजोल्व करेगा? ऐसा ही होता SiO2 तो करेगा डिजोल्व, लेकिन एलुमिना भी डिजोल्व करेगा। कोई बता सकता है क्यों डिजोल्व करेगा? सर, Al2O3 को एम्फोटेरिक हो गए वो सर, एम्फोटेरिक। बोरचक, हाँ, बोरचक अर्थ। लेकिन किसकी डिजोल्यूशन ज्यादा होगा, SiO2 का कि Al2O3 का? SiO2 का होगा क्योंकि वो SiO2 एसिडिक है, का इसकी रिएक्शन तो 100% जाएगी। हाँ, SiO2 की रिएक्शन 100% जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एलुमिना की रिएक्शन जो होगी, क्या इक्विवेलेंट में मान सकते हैं इसको? क्या बनेगा इससे, NaAlOH4 या NaAlO2? क्लियर है सबको? ये TiO2 बता भी रखी है ना तो रिएक्शन, ये एम्फोटेरिक होता है। नहीं, इतना नहीं है, ये TiO2 +4 स्टेट है। ओके सर, +4 स्टेट है, ये एम्फोटेरिक नहीं है। अच्छा, इसमें क्या आएगा? ये समझ आ गया कि नहीं? NaAlOH4 बन जाएगा। ये समझ आ गया इतना? यस यस। सर। अब इसके बाद ये वाली रिएक्शन, मैंने जब एल्यूमिना के अंदर बेस डाला तो रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसके अंदर अब pH एडजस्ट करके एसिड डाल दूं,
अगर मैं इसके अंदर पीएच एडजस्ट करके एसिड डाल दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है कि नहीं? इसमें डाल दिया मैंने CO2, एसिड डाल दिया तो क्या होगा? जाएगी रिएक्शन बैकवर्ड की नहीं? अब यस सर, अब वो मतलब पानी हट जाएगा उसमें से। हाँ, क्या आ जाएगा दोबारा? एलुमिना हो गया अलग, एलुमिना। सब अलग हो गया कि नहीं? Al2O3.HS2 आ जाएगा, सही ना? तो ये सब अलग हो गया कि नहीं? प्लस NaHCO, रिएक्शन क्लियर हो गई कि नहीं? समझ के करना है बिल्कुल इसको, ये पहले तुम कर चुके हो वैसे। Al2O3.HS2 आएगा प्लस NaHCO3, रिएक्शन याद कर लेना दोनों स्टेप पे। और अब इसको Al2O3.HS2O को हीट कर देंगे 1473 केल्विन पे, तो वाटर अलग हो जाएगा और आंसर आ जाएगा Al2O3 प्योर फॉर्म। इस तरह से एल्यूमिना को प्योरीफाई करते हैं। मैंने क्या बोला, एल्यूमिना के साथ इम्प्योरिटीज आई, क्लियर? एल्यूमिना के साथ इम्प्योरिटीज आई कौन कौन सी? Fe2O3 की, SiO2 की और TiO2 की। मेन इम्प्योरिटी होती है Fe2O3 की, इसलिए इसको रेड ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं। Al2O3 में डिजोल्व किया, Al2O3 जो है ये डिजोल्व कर जाएगा NaOH। NaOH हमने रेजेंट डाला, NaOH रेजेंट जो है वो एक तो SiO2 को डिजोल्व करेगा, Na2SiO3 बना देगा, SiO2 प्लस NaOH ये सॉल्यूशन में रहेगा। इसकी रिएक्शन 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, लेकिन Al2O3 जो कि एम्फोटेरिक था ये भी डिजोल्व करेगा NaOH के अंदर, लेकिन उतना डिजोल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है बाय एडजस्टिंग पीएच। CO2 डाला मैंने, यानी पहले बेस डाला तो रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एसिड डाल देंगे तो दोबारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन में जाएगी और अब ये प्योर फॉर्म में आएगा। गर्म करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इसमें से हटा देंगे और आंसर आ जाएगा एल्यूमिना, ये प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। क्या समझ आया? यस सर, यस सर। तो ये रिएक्शन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सही ना? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, बेयर्स प्रोसेस की। बेयर, अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जैसे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है या IIT मेंस में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड, तो क्या है? फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ये ओर के कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान रखना चीज का, ये किसके लिए? ओर के कंसंट्रेशन के लिए, बेयर्स प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो अभी आ गया, अब इसमें बेयर्स प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया, बेयर्स प्रोसेस इसमें रेड बॉक्साइड, इसमें रेड बॉक्साइड जो है उसको प्योरीफाई करते हैं, रेड बॉक्साइड के लिए बेयर्स प्रोसेस। इसके अंदर जो इम्प्योरिटी आती है वो Fe2O3 की आती है बेयर्स प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद आता है जैसे हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस इसके अंदर ये भी प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना के लिए है, इसमें भी रेड बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन होता है, Fe2O3 भी होता है, इसको ऐसे लिखना, इसमें Fe2O3 भी होता है, SiO2 भी होता है, SiO2 को पहले लिखना क्योंकि SiO2 तो वाइट ही मानते हैं, Fe2O3 रेडिश ब्राउन है, इससे भी रेड ऑक्साइड बोलेंगे इसको। लास्ट है सरपेक्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस ये भी एलुमिना की प्योरिफिकेशन के लिए है, लेकिन वाइट बॉक्साइड, लेकिन वाइट बॉक्साइड। क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और सरफेक्स प्रोसेस में देखो, यस बस हॉल्स प्रोसेस सर, में क्या करना है? हाँ, बोलो बोलो। ये बेयर्स प्रोसेस में और भी तो इम्प्योरिटीज आते हैं, मतलब स्पेसिफिकली क्या लिखे हैं? हाँ ऐसा ना, ये इसकी वजह से रेड ऑक्साइड है ना, मेन मेन इम्प्योरिटी ये वाली है जो, अच्छा ओके। और हॉल्स में मतलब, और ये ये मेन सरफेक्स में बस SiO2। सरपेक्स में SiO2, इसीलिए इसको व्हाइट बॉक्साइड कहते हैं, इसलिए इसको व्हाइट बॉक्साइड कहते हैं। सर, ये दोनों है रेड बॉक्साइड और नीचे जो है व्हाइट बॉक्साइड, क्लियर है? यस सर। हॉल्स प्रोसेस में बिल्कुल सेम करना है, बस NaOH की जगह Na2CO3 यूज करना है। क्या याद रहेगा? सेम रिएक्शंस हैं, NaOH बेस था, इधर Na2CO3 बेस है, सही है? यस हाँ, तो और इसके अंदर हम डालते हैं N2+C, प्रोड्यूसर गैस, N2+C डालते हैं सरफेक्स प्रोसेस के अंदर, तो मिलता है पहले इससे AlN, AlN, क्लियर? AlN मिल जाता है, क्लियर है कि नहीं है? साथ में CO+H2O,
ये आ जाता है ALN, और ALN आने के बाद हम इसमें डाल देते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, और क्या आ जाता है, AlOH प्लस अमोनिया गैस, और इसको अमोनिया, इसको AlSO3 को गर्म करेंगे तो Al2O3 मिल जाएगा। इस तरह से प्योरिफिकेशन होता है। ये किसमें प्योरिफिकेशन हुआ है, सरफेक्स प्रोसेस में। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बेयर्स प्रोसेस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेयर्स प्रोसेस है। क्या क्लियर है? यस सर, तो ये ध्यान रखना, याद कर लेना इसको। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बेयर्स प्रोसेस रेड बॉक्साइड, हॉल्स प्रोसेस रेड बॉक्साइड, सरफेक्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइड, सरफेक्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइड, हॉल्स, बेयर्स प्रोसेस में तुम्हें मैंने डिटेल बता दिया है, हॉल्स प्रोसेस में डिटेल कोई भी नहीं है, बस तुम्हें NaOH की जगह Na2CO3 यूज करना है। सरफेस प्रोसेस ये है, Al2O3 है, साथ में इम्प्योरिटी है मेन SiO2 की, N2 और C डाला, N2 और C डाला तो AlN मिल जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हाइड्रोलाइज करेंगे तो AlOH3 बनेगा, Al पे 3+ है, N पे 3-, H2O जोड़ देंगे इसको, Al3+ के साथ OH आयंस आएंगे, N3- के साथ H+ आयंस आएंगे, तो AlOH3 आ जाएगा, गर्म करेंगे तो Al2O3 मिल जाएगा प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम। क्या क्लियर है? यस ध्यान रखना, अब इसको अगर अगर तुम्हें थोड़ा सा इसका निमोनिक सही याद करने का तो वो सुन लेंगे एक बार, जो फर्स्ट वाला है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोले तुम। जो सरपेक्स में हमने Al(OH)3 2+ NH3 लिखा है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट Al2O3 आ जाएगा हीट करने पे, हाँ, हीट करने पे ये निकल जाएगा ना वाटर मॉलिक्यूल इससे। इसको भी मतलब हम इसको नहीं कराएंगे, लेकिन जैसे मतलब इसमें वाटर से एक बार मतलब वाटर हटाने के लिए किसी उससे पास। वो अंडरस्टूड है, हीट कितना करते हैं ना कि वो वाटर वाटर क्रिस्टलाइजेशन अगर आता भी तो हट जाए। ओके सही है। यस अच्छा, अभी इसमें अगर थोड़ा सा निमोनिक चाहिए ताकि तुम्हें ये याद रहे, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको ऐसे याद करना। पहला वाला, बेयर्स प्रोसेस में Fe2O3 है, बेयर्स प्रोसेस में Fe2O3 है कि नहीं? सर, इसको याद करना, बेकार फेंको, बेकार फेंको। और हॉल्स प्रोसेस में SiO2 और Fe2O3 दोनों हैं, यस सर, तो इसमें हॉल में सिलिका फेंको, हॉल में सिलिका फेंको, याद रहेगा, बेकार फेंको, हॉल में सिलिका फेंको। सही है। यस और थर्ड जो है, ये तो डायरेक्ट नाम से हो जाएगा, सर पे सिलिका, सर पे सिलिका, ये बोल लेना वर्ड, अगर याद सकते हो 3-4 बार बोलना याद रहेगा, कोई भी मिस नहीं होगा फिर, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है। इसमें Fe2O3 मेन इंप्योरिटी और रेड ऑक्साइड। हो गया क्लियर कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरफेक्स प्रोसेस, तीनों के तीनों, तीनों का काम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एलुमिना, तीनों का काम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एलुमिना, इतना जरूर याद रहना चाहिए। बाकी डिटेल मैंने तुम्हें बता दिया, पहले दोनों को रेड बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन के लिए, और थर्ड वाले को सरफेक्स प्रोसेस को व्हाइट बॉक्साइड की प्रिपरेशन प्योरिफिकेशन के लिए, व्हाइट बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन डिटेल दे दी है, इसको याद कर लेना जरूर ढंग से। नेक्स्ट, अब एक और रह गया इसके अंदर, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, लीचिंग के अंदर जो आता है ना, लीचिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। ये तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है मेंस में और नीट में, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। इसके अंदर लीचिंग जो है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल, लीचिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर? लीचिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ध्यान हो ना, तो मैं इन दोनों की प्रिपरेशन तुम्हें भी सॉल्ट एनालिसिस जब पढ़ाया है ना, तो उसके अंदर करवा चुका हूँ। क्या किसी को याद है? किसी को याद है कि नहीं? ये गर्व सिंगल, नहीं यार, जब मैंने
NH3 के अंदर डिसोल्यूशन, NaOH के अंदर डिसोल्यूशन, या KCN के अंदर डिसोल्यूशन कराया था तब बताया था ये, आपने ध्यान बस देंगे इधर। सिल्वर की कराई थी, सिल्वर की कराई और थी। गोल्ड की सेम थी, नहीं, AU प्लस KCN प्लस H2O प्लस O2 गोल्ड कराया ना, KAUCN2। अच्छा यस वो, हाँ यस सर, यस सर। चलो नोट कर लेना एक बार, सेम चीज है, वही वही सेम चीज है बिल्कुल, एक बार ध्यान दे देंगे। जैसे Ag2S अर्जेंटाइट ओर है, अर्जेंटाइट ओर है, इससे मेरे को सिल्वर को बाहर निकालना है, सही ना, अर्जेंटाइट ओर से सिल्वर को बाहर निकालना है। सिल्वर क्या है, ट्रांजिशन मेटल, इसके अंदर हम जैसे ही KCN डालेंगे, KCN या NaCN, क्लियर, इसके अंदर KCN या NaCN जैसे ही डालेंगे तो क्या मिल जाएगा इसमें, क्या मिलेगा इसमें हिमांग, सर AgCN होल ट्वाइस और फिर उसपे नेगेटिव, तो सर KAGCN2, सर KAGCN2। बिल्कुल सही है, KAGCN2, ये मैंने कराया हुआ है, और बाकी बच्चे भी इसको याद कर लेंगे, क्या मिलेगा, KAGCN2। मैंने तुम्हें बताया था कि Ag पे प्लस वन चार्ज है, तो साइनेडाइन कितने आएंगे इसके साथ, दो, तो AGCN2 लगा दिया, और प्लस वन चार्ज बनाने के लिए, प्लस वन चार्ज बनाने के लिए एक के बाहर आ जाएगा, तो KAGCN2 आ जाएगा, साथ में K2S आ जाएगा, साथ में K2S आ जाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए यहाँ पे भी O2 डलता है, क्यों, क्योंकि ये O2 क्या करेगा, इस K2S के कंबाइन करके क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा कि नहीं, 2O2 डल के बन जाएगा K2SO4 कि नहीं, जब एक प्रोडक्ट खत्म तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, K2S में 2O2 डाला, एक प्रोडक्ट खत्म तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब KAGCN2 से ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, या अगर मैं जिंक डाल दूं, विच इज ए बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जिंक डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, जेडन पे 2+ चार्ज होता है तो साइनाइड इसके चार आएंगे, जेडन पे 2+ चार्ज होता है, साइनाइड इसके चार आएंगे, तो क्या आ जाता है आंसर, K2ZnCN4, ठीक है ना, K2ZnCN4 आएगा, और साथ में 2Ag, ये ध्यान आ गया पूरा प्रोसेस की नहीं, O2 का पर्पस पूछते हैं यहाँ पे, सही ना, यहाँ पे O2 का पर्पस पूछेंगे कि O2 का क्या पर्पस है, क्लियर हो गया कि नहीं, ये यस सर। अब ये ध्यान चीज का, अब एजी के साथ ना, एजी के साथ, अब जैसे मेरे को एजी को, एजी के साथ कुछ इंप्योरिटीज तो होंगी, तो उन इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए मैं इस एजी को डिसॉल्व करता हूँ यहाँ पे, आगे का स्टेप ये भी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मर्क्यूरी के अंदर, तो क्या बन जाएगा, एडजॉर्प्शन होकर के बन जाएगा सिल्वर एमलगम, क्लियर है कि नहीं, ये क्या बन जाएगा, सिल्वर एमलगम, तो बाकी इंप्योरिटीज जो एजी के साथ थी वो अलग हो जाएंगी, क्लियर हुआ इतना, एजी को अब बाकी इंप्योरिटी से अलग करने के लिए क्या डालेंगे इसके अंदर, मरकरी, तो बन जाएगा सिल्वर, सिल्वर एमलगम या गोल्ड का एमलगम बहुत आसानी से बनता है, तो सिल्वर एमलगम बन गया, अब इसको मैं लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूंगा, अब मैं इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूंगा, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते ही, सही ना, 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते ही क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग और साथ में मिल जाएंगे मरकरी के वेपर्स, क्योंकि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो मरकरी के इससे वेपर्स मिल जाएंगे, और उसको कूल करेंगे तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में अलग वेसल में कलेक्ट कर लेंगे, उसको कूल करेंगे जब, तो मरकरी अलग वेसल में कलेक्ट हो जाएगा, क्या क्लियर हो गया, सिल्वर को आगे कैसे प्योरीफाई करेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं, मेन रिएक्शन यही है, यही याद करना तुम्हें, सर आपने एजी के ब्रैकेट में क्या लिखा आपने नीचे लास्ट में? एजी के ब्रैकेट में, एजी के ब्रैकेट में तो कुछ भी नहीं, एजी के ब्रैकेट में नहीं है कुछ भी, एच जी एनजी के में ब्रैकेट, वेपर, एजी वेपर, प्लस एच जी वेपर, हाँ के ब्रैकेट। वेपर क्लियर है, ओके इस प्रोसेस को कहते हैं एमलगमेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं एमलगमेशन, क्या क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं इसको, एमलगमेशन, याद रहेगा कि नहीं, है सिल्वर के एमलगमेशन के थ्रू या गोल्ड के एमलगमेशन के थ्रू हम ऐसा काम कर सकते हैं, सही है,
ये क्लियर हो गया प्रोसेस कि नहीं, अमलगमेशन प्रोसेस। सर। तो ये सिल्वर का प्योरिफिकेशन इस तरह से होता है। और सिल्वर के साथ ना एक चीज और नोट करेंगे, सिल्वर के साथ इधर ना सब ऑब्जेक्टिव से पूछा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोर्स में नहीं है। अब सिल्वर के साथ लेड की इंप्योरिटी भी आती है, लेड की इंप्योरिटी भी आ जाती है। तो इस लेड की इंप्योरिटी, लेड की ऑक्साइड जो होती है ना वो वोलेटाइल होती है, लेड की ऑक्साइड होती है वोलेटाइल। तो सिल्वर के साथ जो लेड की इंप्योरिटी आई है, अगर इसको अलग करना है ना, तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूपेल, एक वेसल होता है क्यूपेल, क्यूपेल एक वेसल है, एक वेसल है, इसके अंदर एजी है और साथ में लेड की इंप्योरिटी है। जैसे ही हम उसके अंदर हॉट एयर का ब्लास्ट पास करेंगे, जैसे ही जैसे यहां से पास कर दिया, यहां से इधर से हमने पास किया हॉट एयर का ब्लास्ट, तो हॉट एयर का ब्लास्ट पास करेंगे तो क्या होगा, पीवी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीवी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पीबीओ में। ये क्यूपेल है, क्यूपेल, और प्रोसेस को बोलेंगे क्यूपिलेशन। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। क्यूपिलेशन इज टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ लेड बाय मेकिंग इट वोलेटाइल इन द फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड। एजी के साथ पीबी आ गया, ये इम्प्योरिटी है, इसको अलग करना है। पीबी ओ जो है वो वोलेटाइल होता है, इसलिए हॉट एयर का ब्लास्ट पास किया यहाँ से। हॉट एयर का ब्लास्ट जैसे ही पास करेंगे, सही ना, हॉट एयर का ब्लास्ट जैसे ही पास करेंगे, पीबी जो है पीबीओ बन के उड़ जाएगा और सिल्वर प्योर फॉर्म में रह जाएगा। क्या समझ आ गया? यस सर। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो है, एक एक क्वेश्चन इसका ध्यान रखना जरूर। अब जैसे गोल्ड है या एजी है, एयू में केसीएन डाला प्लस एच टू ओ प्लस ओ टू, ये पूछते हैं इसके अंदर। एयू में मैंने केसीएन डाला प्लस एच टू ओ प्लस ओ टू डाला, तो बनेगा फिर वही सेम चीज, के एयू सी एन टू, के यू सी एन टू बन जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने जिंक डाल दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ पे, के टू जेड एन सी एन फोर प्लस टू ए यू। क्या समझ आया? क्या समझ आ गया? सर एक बार फिर से बताना इसको। सेम चीज है ना, देख गोल्ड है इम्प्योर फॉर्म में, गोल्ड है या सिल्वर है, ये क्या नॉर्मल मेटल्स हैं, ये जनरली अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, साथ में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो गोल्ड के अंदर जैसे ही मैंने केसीएन प्लस एच टू ओ प्लस ओ टू डाला, तो बना के एयू सी एन टू, क्या बन गया, के एयू सी एन टू। इसमें जिंक डाल देंगे तो के टू जेड एन सी एन फोर प्लस टू एयू। और इसके साथ भी अगर अभी अच्छा भी इसके साथ इम्प्योरिटीज हैं, हाँ, तो एचजी करके, एमलगमेशन करके हम उसको अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? सर, वही प्रोसेस रहेगा गोल्ड एमलगमेशन। हाँ, सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। समझ आ गया है प्रोसेस के नहीं है? यस सर। बस ये ध्यान रखना, केसीएन ना बहुत एक्सेस में नहीं डालना चाहिए। केसीएन बहुत एक्सेस में अगर डल जाता है ना, तो ये बन जाता है एयू सी एन फोर नेगेटिव, और ये फिर आगे गोल्ड नहीं दे पाता है, आगे ये गोल्ड नहीं दे पाता है अगर केसीएन एक्सेस में डल गया, ये ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ओ टू का पर्पज इधर क्या है, ओ टू का पर्पज इधर क्या है, फॉरवर्ड में करना। हाँ, क्योंकि एयू की स्टेट को प्लस वन लेके आना है ना, तो इधर ओ टू का पर्पज है टू ऑक्सीडाइज गोल्ड, क्लियर, टू ऑक्सीडाइज गोल्ड टू इट्स प्लस वन स्टेट एंड टू शिफ्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? ये पीछे था ओ टू का पर्पज के टू एस को या एन ए टू एस को एन ए टू एस ओ फोर बना के उड़ाना। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? यस सर। तो ये बस ध्यान रखना, इसके अंदर ओ टू का पर्पज इधर है टू ऑक्सीडाइज गोल्ड टू इट्स प्लस वन स्टेट। अच्छा, अब ये तुम्हें समझ आ गया। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, इसमें आया जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड रिक्वायर्स बोथ, प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्या क्लियर है ये? प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं?
देखो एयू की स्टेट यहाँ क्या है, जीरो। यहाँ एयू की स्टेट क्या आ गई, प्लस वन। फिर दोबारा एयू की स्टेट क्या आ गई, जीरो। तो ऑक्सीडेशन हुआ, पहले क्या हुआ, जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन, फिर क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर है? ऐसे ही सेम सिल्वर के साथ भी हो सकता है, ऐसे ही सेम सिल्वर के साथ भी हो सकता है। तो ये केमिकल सेपरेशन था जो हमने अभी किया है। क्लियर? दिस वाज केमिकल सेपरेशन जो हमने अभी किया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें, अभी मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ही करवाया करवाया काम ये। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सिखाऊंगा ओर से ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करना है, ओर से ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम एलिंगम डाइग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एलिंगम डाइग्राम, इसको बहुत ध्यान समझना, यही समझने वाला पार्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट टाइम ओर से ऑक्साइड में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और वो कैसे होता है, या तो रोस्टिंग के थ्रू या फिर कैल्सिनेशन के थ्रू। रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में सिर्फ गर्म करेंगे, सिर्फ गर्म करेंगे, हीटिंग करेंगे, और रोस्टिंग के अंदर हीटिंग तो करते ही है, साथ में ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं, एक्सेस में ऑक्सीजन होता है। एक बार हैंड्स करेंगे, जिसको समझ आ गया आज वाला लेक्चर, जिसको समझ आ गया आज वाला लेक्चर, पढ़ जरूर लेना, पिछली क्लास एक छूटी है जिसकी, वो भी कर लेना जरूर। डाउट हो तो पूछ लेना। शरद, गर्व, हितेश, कृष, तान्या, हिमांशी, नवीन, ध्वनि, दृष्टि, अर्षी, मनीष, चेतन, ध्रुव, सौम्या, दीपांशी, क्लासेस मिस मत करना कोई भी, बिल्कुल भी। अर्जुन, हिमांग, सिद्धि, खुशाल, आगे डिंपल समझ नहीं आया, डिंपल, गर्व सिंगल, जिया, मनन, डिंपल, फिर नेक्स्ट डिंपल मिल याद कर लेना जाएगा। ढंग से, काजल, अभी गर्व सिंगल, जिया और नंदनी। फिर नंदनी मेरे को को समझ आ लेक्चर गया मिल होगा, जाएगा। लेक्चर ले लेना मेरे से। लेक्चर तो मैंने तुम्हें दिया दिया था ना, तुमने पूछा था मेरे से, तो मैंने भेजा तो था तुम्हें। सर वो तो वो हो गया, ये वाला जो है। हाँ ये वाला मैं, हाँ ये हो जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा, इसको कर लेना जरूर। मैं अभी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं स्पीड पढ़ूंगा आगे जाकर, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक बार एडजस्ट हो जाए सारे, तो इसको कर लेना। ये चैप्टर कोर्स में नहीं है तुम्हारे, आईआईटी मेंस और नीट में जरूर आएगा, है ना, आईआईटी मेंस और नीट में जरूर आएगा, इसको जरूर कर लेना। आज सिर्फ एक ही टॉपिक किया हमने, केमिकल सेपरेशन और लीचिंग, जिसमें दो पढ़े हैं, बेयर्स प्रोसेस और मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, तो उसको याद कर लेना जरूर। घर मेरे को भेज देना एक बार रिकॉर्डिंग, यस सर, हाँ कल भी शायद एक क्लास दूंगा मैं, फिर परसों चांसेस है, 50% मान के चलना मैं बुलाऊंगा तुम 4 o'clock के आसपास।